संभल जिला प्रशासन और पुलिस ने भूरा कुख्यात गैंगस्टर 86 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल गैंगस्टर ने गौकशी के जरिए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। यूपी के संभल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रही है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस ने एक कुख्यात गैंगस्टर भूरा की 86 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल गैंगस्टर ने गौकशी के जरिए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के क्रम में अवैध कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर पुलिस ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर आज पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर के मकान की मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की है। पुलिस का दावा है कि इसी तरह से अपराधियों के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। संभल के थाना असमोली क्षेत्र के गाँव मंसूरपुर माफी में अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल के आदेश पर असमोली पुलिस द्वारा सील किया गया। थाना असमोली क्षेत्र के गांव मंसूरपुर माफी के रहने वाले भूरा इसाक के असमोली पुलिस द्वारा 86 लाख की संपत्ति जब्त की गई। बताया जा रहा है कि भूरा का गौ तस्करी में बहुत लंबे समय से सक्रिय था। भूरा पर पहला मुकदमा 2013 में डिडौली थाने में लिखा गया था, तो वहीं दूसरा मुकदमा 2019 में असमोली थाना में लिखा गया और 2019 में ही भूरा पर गैंगस्टर में कार्यवाही की गई। भूरा की संपत्ति की जांच की गई तो भूरा की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई, तो वहीं संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा संपत्ति सील करने के आदेश दिए गए। असमोली पुलिस द्वारा आज भूरा की लगभग 86 लाख रुपये की संपत्ति सील की गई। संभल के थाना असमोली क्षेत्र में नईम कुरैशी पुत्र लई कुरैशी और इनके 3 अन्य सदस्य इनके द्वारा एक गैंग के रूप में गौ तस्करी का कार्य किया जा रहा था। इनके विरुद्ध कई गंभीर अपराध में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे 2013 से लेकर 2019 के बीच में, और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इनकी सदस्यों की लगभग 86 लाख की संपत्ति जो अपनी अवैध गतिविधियों से इन्होंने अर्जित की है, उसकी कुर्की जिला प्रशासन द्वारा की गई है। ये 86 लाख की जो मकान है इनकी कुर्की की जाएगी और अग्रिम आदेशों तक जो इसमें कोर्ट के न्यायालय के आदेश होंगे उसके आधार पे इनका। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।